हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमंत, आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट। जो टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, वो एड सुमंत है। ये मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। कई सारे दोस्त मुझे मेल करते हैं ऑप्शनल के लिए कि सर ऑप्शनल मेरा ये है, मुझे ये बुक बताइए। तो आपके लिए सेशन ये रहेगा कि मान लो कि आपका ऑप्शनल मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के जो टॉपर्स हैं उनका जो ब्लॉग है या फिर उनकी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ा कीजिए, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग लिखा होता है उस पर कि जैसे कि आपका जॉब का ऑप्शनल है उसके लिए पढ़ना क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री के लिए जो टॉपर हैं उन्होंने बुक बताई हुई होती है। बस सर्च करना है आपको हिस्ट्री ऑप्शनल बुक लिस्ट, ऐसा करके सर्च करोगे ना गूगल पे, मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो वाला। हमने कोर्स लॉन्च किया आपके लिए करंट अफेयर का। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो करंट अफेयर पूरा तैयार करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो सवाल है वो भी करते हैं आपके लिए। कल हमने 3 क्वेश्चन कराए थे मेंस का, जहाँ पर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब मैंने बताया था वहीं क्लास में लाइव। तो यहाँ पर जो आपका तैयारी है पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स मेंस के लिए अच्छे से करंट अफेयर का। 1 जुलाई से ये जो कोर्स है वो उसका हम लोग पार्ट 2 ला रहे हैं, तो उसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप जल्दी से। तो अभी आपके पास समय है, आज 23 तारीख है, आपके पास समय है अभी, तो ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से इसको। जो रेफरल कोड है वो है SNLive, इसको यूज़ कीजिएगा, डिस्काउंट मिलेगा 10% का आपको। प्लस आप मेरे सारे कोर्सेज देख पाएंगे जो मैंने बनाए हैं। तो 1 जुलाई से आपका नया कोर्स शुरू हो रहा है करंट अफेयर का। यहाँ पर द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं सारे, जो इंडियन एक्सप्रेस है इन्हें भी हम कवर करते हैं अच्छे तरीके से, कुछ भी छूटता नहीं है, क्लियर है। इनके अलावा, करंट अफेयर के अलावा आपके लिए पूरा बैच है, मतलब जैसे कि मेरा पूरा जो कोर्स है GS का वो दिया है मैंने आपको, एंशियंट मीडिएबल आर्ट एंड कल्चर ये तैयार हो गया आपका। ज्योग्राफी का जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये तैयार हो गया आपका, इसमें 20 क्लासेस हैं। फिर आपका इंडियन पॉलिटी ये तैयार हो जाएगा आपका, एनवायरमेंट इकोलॉजी, सबसे बढ़िया साइंस एंड टेक ये मैंने तैयार कर दिया है आपको एकदम बहुत ही अच्छे से, इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ाया है मैंने, और इसके जो नए कोर्सेज हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अनअकैडमी के ऐप पर आज क्लास है 10 बजे से 10:30 पर, तो यहाँ पर आना ना भूलिएगा। अनअकैडमी का ऐप ओपन कीजिएगा, सुमंत कुमार सर्च कीजिएगा, यहाँ पर प्रोफाइल मिल जाएगी आपको ये वाली, उसको फॉलो कर लीजिएगा। आज क्लास में मिलते हैं 10:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर। यहाँ पर पोलिंग होती है, काफ़ी बेहतरीन सुविधा होती है आपको, वहाँ पर पढ़ने में और मज़ा आता है। जो फी है पता ही है आपको, फी पे करने का 2 तरीका है, या तो आप एक साथ मतलब फी पे कर दीजिए एक मुश्त, या फिर आप फी पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में भी। उसमें भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अगर आपका ATM कार्ड है, बस डेबिट कार्ड है, तो भी आप फी पे कर सकते हैं EMI के जरिए, बस कार्ड आपका होना चाहिए HDFC का। तो यहाँ पर आपको होता है नो कॉस्ट में, मतलब कि आपको केवल फी देनी पड़ेगी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगता, तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे SNLive आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और आप यहाँ पर कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं। पहचानो क्या है ये है पंचरथ। ये क्या है? ये है पंचरथ की पिक्चर। यहाँ पर 5 जो रथ हैं, 5 डिफरेंट जो आपके आर्किटेक्चर है उसको डिनोट करते हैं, पता है आपको पंचरथ इसे कहते हैं। आपको बताना है इसके बारे में, जो पंच पांडव रथ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था किसके शासनकाल में? राजसिम्हा, नरसिम्हवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय। थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, क्या आंसर है जी? शानदार है ना 5 वाली वीडियो। हाँ, पंच पांडव रथ जो आपने अभी देखा, इसे बनाया गया था किसके शासनकाल में? ध्यान से बताना जल्दी से, ठीक है? पता है आपको कि ये जो सारे रथ हैं वो मोनोलिथ हैं, मोनोलिथिक हैं। मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, ठीक है? इसमें कोई जोड़ नहीं है,
इसमें कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही शानदार जवाब आपका, प्रवदीप का सही है, कपिल जैन का सही है। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छे। क्या आंसर है जी? नरसिंह वर्मन वन जो है इनके शासन में ये बनाया गया था। जो पल्लव आर्किटेक्चर है, इसका जो सेकंड स्टेज है, उसमें हम देखते हैं कि कई सारा जो आपका मोनोलिथिक रथ है, मंडपा है, यो बनाया गया है। क्लियर है? जो रथ है, मंडप है, वो बनाए गए हैं, और ये सारे बनाए गए थे ममल्लपुरम में। पता है क्या ममल्लपुरम? ममल्लपुरम का नया नाम क्या है? ममल्लपुरम का नया नाम क्या है? तो यहां पे आपके जो पांच रथ है ना, पांच रथ बने हुए हैं पांचों अलग अलग स्टाइल पर। सबसे खास बात यह है, जो मंडप हैं उनमें से जो फेमस हैं वो है महिषासुरमर्दिनी मंडप, तिरुमूर्ति मंडप, वराह मंडप। ध्यान सुनना, महिषासुरमर्दिनी मंडप, तिरुमूर्ति मंडप और आपका वराह मंडप। मंडप भी पल्लव ने बनाए थे, जो पंच रथ हैं वो भी पल्लव ने बनाए थे। ध्यान से इस बात को कागज में लिख लीजिए, ठीक है? तमिलनाडु क्लास 11th की जो हिस्ट्री किताब है, पेज नंबर 128, उसे सवाल फ्रेम किया गया है आपका। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के बारे में। ध्यान से बताइएगा, गौतम बुद्ध के बारे में सवाल है वाला, क्या बुद्ध ने नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? क्या उन्होंने भगवान का जो अस्तित्व है ना स्वीकार करते हैं ना नकारते हैं? क्या बात सही है? दूसरा, बुद्ध के अनुसार क्या आत्मा इस पूरे संसार का आधार है? क्या बुद्ध ने कर्म और अहिंसा का जो कानून है उस पर बहुत जोर दिया है? क्या अहिंसा का जो कानून है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कर्मा एंड नॉन वायलेंस, जो होता है ना कर्म का सिद्धांत और नॉन वायलेंस, क्या उन्होंने उस पर जोर दिया था? महाबलीपुरम, बिल्कुल सही, ममल्लपुरम महाबलीपुरम है नया वाला। बहुत अच्छे, मैंने पहले पढ़ाया था ना महाबलीपुरम। आपको यहां पर केवल एक बात जाननी है, आपको यहां पर केवल एक बात जाननी है, केवल एक बात जाननी है। क्या जाननी है सर? बुद्ध के मुताबिक आत्मा क्या है? आत्मा नहीं एग्जिस्ट करती, समझ गए? जब बुद्ध के मुताबिक आत्मा है ही नहीं, तो बुद्ध का तो ये जो आत्मा है वो संसार का आधार कैसे होगा, है ना? जब बुद्ध के मुताबिक आत्मा है ही नहीं तो आत्मा आधार कैसे होगा? आधार नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपका यहां पर दो गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ए को एलिमिनेट कर दिया, मैंने यहां पर डी को एलिमिनेट कर दिया। आपका पहला गलत है, चौथा गलत है। अब ध्यान सुनना, जैसे ही आप दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं, जैसे ही आप दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब दो ऑप्शन को, आपको अटेम्प्ट ले लेना है, उस सवाल को छोड़ करके नहीं आना है। चाहे आप बी लगाइए, चाहे आप सी लगाइए, क्योंकि आपके सवाल के सही होने का चांस 50% है, समझ गए? काफी अच्छा चांस होता है ये। यहां पर दोनों बातें सही है। बुद्धा ने ईश्वर को न स्वीकारा न ही उसको नकारा। बुद्ध ने अपने फॉलोअर पर, अपने भक्तों पर छोड़ दिया, तुमको जो मन है वो करो। वो इस पंचांग में पढ़े ही नहीं, बुद्ध जो है वो इस डिबेट में पढ़े ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है। मेरा पहला यहां पर सही है, तीसरा सही है। बुद्ध ने जो कर्म का सिद्धांत है, अहिंसा है, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, तो जनरल कॉमन सेंस है ये वाला, है ना? तो यहां पर क्या आंसर हो गया आपका? बी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, जो डिसेंट ऑफ गंगा है या फिर पेनेंस ऑफ अर्जुन, ये किसके किसके समय में बनाया गया था? आप जो देख रहे हैं ये वाला, यही है डिसेंट ऑफ गंगा या पेनेंस ऑफ अर्जुन। ये किसके समय में बनाया गया था? मौर्य, गुप्ता, पल्लव, चोल।
मौर्य गुप्ता पल्लव चोल। ध्यान से क्या आंसर है इसका? आप बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कहां पर है ये वाला, क्या बता लेंगे? अगर आपको बता दिया जाए कि ये कहां पर है, सभी दोस्त आ चुके हैं, युवराज, रविकांत, सुमन, सबीर, वैभव, लिपिका, लवप्रीत, अर्पिता, रविकांत, अनामिका, छाया, सरिता, अंकित, आशीष चौधरी, नजीम, सोनाली, प्रेमलता, लवप्रीत, रानी, छाया, मिंटू, कोमल, यतीन, रोमा सिंह, लावी, आशुतोष, परी, बहुत अच्छे से ममता, कोमल, राहुल, विपिन, आरआरसी, दीपशिखा। अरे वाह अंकित, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। क्या आंसर है इसका? चलो देखते हैं कहां पर है ये। आपका जो पेनेंस ऑफ अर्जुन है, पेनेंस ऑफ अर्जुन है, कहां पे है ये? वही ममल्लपुरम, महाबलीपुरम, कहां पर है ये वाला? ये आपके है महाबलीपुरम में, समझ गए? अब सोचो, ये जो आपका महाबलीपुरम है वो पल्लव के समय में था, पंचरथ, और ये भी, समझ गए? इन सबको पल्लव ने ही बनाया है, पंचरथ को भी और डिसेंट ऑफ गंगा, यहां पर जो गंगा का अवतरण हो रहा है ना, उसकी कहानी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है सर? गंगा जो हो ना अवतरण, उसी कहानी बताई जा रही है। ये कहां पर है? महाबलीपुरम, ममल्लपुरम, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल का जो है ना कोस्ट, तट, वहां पर आपको मिलता है। ये ओपन एयर रॉक कट है, जहां पर जो दो मोनोलिथिक रॉक्स हैं वो यहां पर जोड़े गए हैं। देखो यहां पर दिख रहा है, ये दो मोनोलिथिक रॉक है। ये आपका एक हो गया दाएं तरफ, बाईं तरफ एक हो गया दाएं तरफ, समझ गए? तो ये आपके अलग अलग चट्टान है ना जो यहां पर रखे गए हैं, समझ गए ये वाला? आपका जो गंगा का अवतरण है और जो अर्जुन की तपस्या है, इसी को यहां पर दिखाया गया है इस पल्लव हेरिटेज साइट में, समझ गए? ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का। सर क्यों बता रहे हैं इसके बारे में आप? जो हमारे यहां जी जिनपिंग थे, वो जब भारत में आए थे तो गए थे यहाँ पे, याद है ना, महाबलीपुरम, यहाँ पर जब गए थे। हाँ बिल्कुल, 11th जिनपिंग है, जी जिनपिंग नहीं है। आपका सी जो है वो सही आंसर है, पल्लव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अगला सवाल है मौर्य काल के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। क्या मौर्य अचीव्ड द पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या मौर्य साम्राज्य ने भारत में पहली बार राजनीतिक एकता हासिल करी? दूसरा, अर्थशास्त्र का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, क्या इसको डिस्कवर किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा 1904 में? क्या आंसर है इसका? क्लियर है? अरे विष्णु शर्मा, ये तो पंचतंत्र वाले थे ना, पंचतंत्र वाले थे ना ये। सेकंड आपका गलत हो गया, पहला सही है। मौर्यन एम्पायर ने पहली बार जो राजनीतिक एकता है वो हासिल करी, मौर्य ने पहली बार राजनीतिक एकता जो है वो हासिल किया, और अर्थशास्त्र का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आर सामाशास्त्री ने, जो है उन्होंने ढूंढा था अर्थशास्त्र का। तो दो गलत है आपका, पहला सही है। आपका क्या आंसर है? आपका ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, आर श्यामा शास्त्री, आर श्यामा शास्त्री जी ने इसको ढूंढा था, किसको? अर्थशास्त्र के। क्लियर है? ए आपका है जो सही जवाब है। अगला सवाल है दक्षिण चित्र ये क्या है? दक्षिण चित्र ये क्या है? क्या एक फ्रेस्को पेंटिंग है? क्या ये पेंटिंग पर एक कमेंट्री है? क्या एक स्कल्पचर है? क्या ये म्यूरल पेंटिंग है? पता है क्या होता है म्यूरल पेंटिंग?
म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल चित्रकारी वो चित्रकारी होती है जो दीवार पर बनाई जाती है, बड़ा सा, समझ गए? ये बनाई जाती है दीवार पर। ध्यान से जवाब दीजिएगा, दक्षिण चित्र क्या है ना? चलो दिखाता हूं आपको क्या होता है म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग अजंता। अच्छा, यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा था कि आपके इनमें से कौन कौन से मंदिर में हमको मिलता है, आपके कौन कौन से मंदिर में हमें जो म्यूरल पेंटिंग है वो देखने को मिलता है, समझे? देखो ये दिख रहा है, देखो ध्यान से वाला, ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं वो सारा दीवार पे है कि नहीं है? ये जो सारा पेंटिंग है ये दीवार पे है, इनकी जो कलाकृति है वो देखिए, इतनी साल पुरानी होने के बाद भी, इतना साल पुराना होने के बाद भी इनके रंग किस तरह से हैं। तो ये हमारे जो धरोहर है इनके बारे में देखिए आप। देखो यहां पर आपको जो बुद्ध है वो अपने अलग अलग आसन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बुद्ध अपने अलग अलग आसन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइन से, है ना? तो ये जो पेंटिंग आपकी है वो क्या है? देखो ये आपका है पद्म पाणि त्रिभंग मुद्रा में, पद्म पाणि दिख रहे हैं आपको त्रिभंग मुद्रा में यहां पे, यहाँ पे देखो ये वाला, ये है पद्म पाणि, थोड़ा आपको साफ दिखेगा, ये वाला दिख रहा है आपको, इनके हाथ में कमल है और ये त्रिभंग मुद्रा में है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो तीन जगह से बेंट है। यहां दिखेगा क्या? ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, एक बेंट एक गर्दन से, एक कमर से, फिर इधर से, है ना? तीन बेंट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं इनकी बॉडी में, इन्हें हम कहते हैं पद्म पाणि, ठीक है? चलिए, तो जो दक्षिणवर्त क्या है, दक्षिणवर्त है क्या? ये चित्रकारी पर एक कमेंट्री है, आर्टिकल कह सकते हैं, चित्रकारी पर एक टिप्पणी है, आपका बी है जो सही है, दक्षिण चित्र चित्रकारी पर एक टिप्पणी है। सर ये पेंटिंग अजंता का है, अभी जो मैंने पेंटिंग दिखाई आपको वो पेंटिंग अजंता की है, ठीक है? बढ़िया, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है धर्माकृतिन के बारे में, धर्माधिकरण के बारे में सवाल है। एंशियंट इंडिया में ये क्या होते थे, मंदिर के मुख्य पुजारी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, धम्म के एक सदस्य जो धर्म को स्प्रेड करते थे, जो आपका सैनिक हैं वो जो धर्म की रक्षा करते थे, धर्माधिकरण क्या होते थे, धर्माधिकरण क्या होते थे, बताना है आपको ध्यान से। टेलीग्राम एड सुमंत ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मेरे सारे लेक्चर उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वहां पे ऐड सुमंत टेलीग्राम है, वहां ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का ऐप ओपन करना, ये सर्च करना, आपको टेलीग्राम दिख जाएगा, ठीक है? हमने आपको सवाल दिया है, आपको आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है लिखने के लिए, उम्मीद है आपने उसको लिखा होगा, लिखा है, ठीक है? तो धर्माधिकरण क्या होते हैं बताना है आपको ध्यान से। जो साम्राज्य की राजधानी है, साम्राज्य की राजधानी है वहां पर होता था एक सुप्रीम कोर्ट, वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हम कहते थे धर्माधिकरण। अब ऑब्वियस सी बात है, नाम से लग रहा है ये वाला तो नहीं, ये नाम से लग रहा है,
यहां पे आपका बी है जो सही आंसर है, होता है ना धर्माधिकारी टाइप का, ठीक है, कहते ना धर्माधिकारी ऐसा करके। तो यहां पे धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला नहीं, वो अलग है, यहां पर आपका जो बी है वो सही है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। चल अगला सवाल है, जो रेगुलर सेंसस है, जो जनगणना है, किसके काल में शुरू हुई? नंदवंश, मौर्य, शुंग, मल्लवंश। जो नियमित जनगणना है किनके काल में शुरू हुआ, बताना है क्या आंसर है इसका। नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुआ, नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुआ, नंद, मौर्य, शुंग या फिर मल्ल, क्या आंसर है जी। ये जो जनगणना का जो नियमित प्रक्रिया है ये शुरू किया गया था मौर्य के द्वारा, किनके द्वारा, जो मौर्य हैं उनके द्वारा। तो ध्यान सुनना, मौर्य का जो विशेषता क्या क्या है, पहली विशेषता ये तो ये हो गई कि इन्होंने भारत में पहली बार जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो हासिल करी, जो राजनीतिक एकता है, मतलब एक बड़ा सा जो एरिया है वो एक ही साम्राज्य के अंतर्गत आया, एक बड़ा सा जो एरिया है वो एक ही साम्राज्य के अंतर्गत आया मौर्य के काल में, पहला तो ये हो गया। इनके जो रिफॉर्म्स थे उसमें नियमित जनगणना भी आता है, नियमित जनगणना भी आता है, समझ गए। रेगुलर सेंसस ये भी आता है। अच्छा आपको पता है ना कि आपके जो अर्थशास्त्र हैं कौटिल्य वाला, उसमें 8 अंग की बात कही गई है, समझ गए। तो वो उसको मैंने पहले पढ़ाया है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो देख रहे हैं दोस्त नए तो उसको देख सकते हैं वीडियो मेरे पिछले वाले को। अगला सवाल है, जो चंद्रगुप्ता का जो विजय यात्रा है उसके बारे में, मेगास्थनीज को भेजा गया था मौर्यन कोर्ट में एज अ ग्रीक एम्बेसडर आफ्टर सेल्यूकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था तो क्या मेगास्थनीज को उसके बाद भेजा गया था मौर्य के दरबार में? दूसरा, सेल्यूकस निकेटर ने क्या इंडस की जो सिंधु नदी का जो एरिया है उसने सौंप दिया मौर्य एम्पायर को? अरिया है, अराकोशिया है और गेडरोसिया है, क्या उन्होंने ये सारे जो टेरिटरी हैं मौर्य को सौंप दिए थे हारने के बाद? जी हाँ, आज स्पेशल क्लास है, दिखाता हूं, स्पेशल क्लास आपकी है आज, स्पेशल क्लास आपकी आज है, आज आपको लिंक दे दिया जाएगा और आपकी जो नई क्लास है ना, नया बैच वो शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, ठीक है, ये क्लास आपकी है अभी से 3 घंटे बाद, तो ध्यान से पहुंच जाना, 10:40 से आपका सवाल होगा, ये वाला क्लास आपका होगा, तो आज आपको आ जाना है, फ्री क्लास है, आप सभी के लिए फ्री है ये वाला, बस ऐप में ओपन सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर जो सेल्यूकस निकेटर है उससे जब युद्ध हुआ था तो बेचारा सेल्यूकस हार गया था, सेल्यूकस हारने के बाद अपना जो कुछ एरिया है उसने मौर्य को दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया उसने, उसमें से जो इंडस के करीब के जो एरिया थे, अरिया, फिर आपका जो अराकोशिया है, फिर आपका गेड्रोसिया है, ये तीनों उसने मौर्य को दिए थे। दूसरी बात यह है कि जो मेगास्थनीज है उसको ग्रीक राजदूत के रूप में भेजा गया था चंद्र मौर्य के दरबार में, इन्होंने ही लिखा था इंडिका, याद है इंडिका इन्होंने ही लिखा था। एएम सुबह 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 है यार, रात में क्लास नहीं है आपकी, सुबह अभी क्लास है, स्पेशल वाली क्लास है ना, स्पेशल वाली क्लास अभी है 10:30 पे। एक बात और, सभी लोग जो हैं वो टाइम पे आ जाइएगा, देर मत लगाइएगा। चलिए हो गई बातें, अगला आपका है जो करशापना है, करशापान है
ये क्या है आखिर? आना विच मेड अप रुपया, आपको पता है ना कि 16 आना का 1 रुपया होता था। जो लोग हमारे टाइम के होंगे, थोड़े पुराने होंगे, 16 आना का 1 रुपया होता था। 8 आना हमारे पास है, मतलब क्या? आधा रुपया, आधा रुपया। दूसरा, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, लेड कॉइन, ये क्या होते थे? ठीक है, सोने के सिक्के नहीं थे ये, सोने के सिक्के नहीं थे। कर्षापान जो है वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ये सिल्वर कॉइन हुआ करते थे। बी आपका जो है वो सही है, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। समझ गए? ये आपके चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अगला है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार इन सब बातों को देखिए। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या होते थे? सुत्त पिता का, विनय पिता का और अभितम पिता का। क्या इसको बुद्ध के मरने के पहले कंपाइल किया गया था? जो बुद्धिज्म के त्रिपिटक का हैं, त्रिपिटक कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। सुत्त, विनय और अभिधम्म, क्या ये जो तीनों हैं बुद्ध के मरने के पहले कंपाइल किए गए थे? क्या इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है? अगर आपको पता होगा कि जैन किताबें कौन सी भाषा में हैं, बुद्ध की बातें कौन सी भाषा में है, तो बताएंगे कि नहीं बता देंगे आराम से आप? जैन की बातें कौन सी भाषा में है, बुद्ध की बातें कौन सी भाषा में है, तो आप आराम से बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या आंसर है जी? हाँ अरे वाह, लिख लो ध्यान से। जैन का है प्राकृत में, जैन का है प्राकृत में, बुद्ध का है पाली में। किसमें है सर? बुद्ध का है पाली में, जैन का है प्राकृत में। और मैंने पहले बताया था आपको, एक पतली सी किताब है एनसीईआरटी की, जो है ना ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें जो किताब है उसमें एक चैप्टर पढ़ना है आपको बुद्ध के बारे में, आपको एक चैप्टर पढ़ना है बुद्ध के बारे में। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, चैप्टर नंबर 10। देखो ये वाला, ये जो आपका है ये पढ़ना है आपको ध्यान से, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये एक चैप्टर है जिससे हर साल सवाल आते हैं, इस एक चैप्टर से हर साल सवाल आते हैं। जो ये धर्म है उसका जन्म कैसे हुआ, फिर आपके जो शुरू के कॉइन्स थे उसके बारे में, जो त्रिरत्न है उनके बारे में बताया गया है, जैन धर्म कैसे फैला, महावीर का जन्म हुआ था 1540 BC, जो बुद्धा है बुद्धा का जन्म हुआ था 563, 540 हुआ था जैन का। देखो यहाँ पर ध्यान से, महावीर का जो जन्म है, महावीर का जो जन्म है वो है 540 BC, और आपका जो बुद्ध है इनका जन्म है कब? 563 BC। ठीक है, ये है हमारे ओल्ड एनसीईआरटी के मुताबिक। जो पहला जैन काउंसिल था वो हुआ था 300 BC में। समझ गए? तो ये बातें हैं आपकी। प्राकृत, अर्ध मागधी, अपभ्रंश, इन सब में
जो जैन का, ध्यान सुनना, जैन का लिटरेचर में क्या योगदान रहा है, सब बातें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आर्ट एंड कल्चर का। आप लोग ढूंढते रहते हैं इधर उधर के हम क्या पढ़ें क्या पढ़ें, एनसीईआरटी ने इतना अच्छा लिख दिया है आपके लिए, और क्या चाहिए, बस पढ़ना है आपको रिवाइज। इसका नोट्स मत बनाना, इसका नोट्स नहीं बनाना है, लक्ष्मीकांत का, स्पेक्ट्रम का, इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसको बार बार पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अंडरलाइन हाईलाइट है ना, हाईलाइट अंडरलाइन करोगे ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पीला हो जाता है, सब लाइन मतलब पूरा हाईलाइट हो जाता है। तो ध्यान से जितना कहा गया है उसमें पढ़ा गया क्या है उसमें, बस वही कीजिएगा। और इस किताब के अंतिम में क्वेश्चंस भी हैं, किताब के अंतिम में क्वेश्चंस भी हैं लिखने के लिए। बच्चे लिखते हैं ना स्कूल में, और स्कूल में जब बच्चे लिखते हैं वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको किताब, आपको किताब का पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। क्या है ये आपका क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। तो गलत हो गया आपका। दूसरा गलत है, प्राकृत में नहीं था, यह पाली में है। और दूसरी बात ये कि जो पिताका हैं सुत्त, विनय और अभिधम्म, ये बुद्ध के मरने के करीब 500 साल बाद तक कंपाइल हुए थे, उनके समावेश थे यहाँ पे। समझ गए, आपका पहला भी गलत हो गया, कैंसर हो गया जी डी। आपका डी है जो सही आंसर है, क्या है, नाइदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर, आपका डी है जो सही है, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अगला सवाल आपका है, अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है उससे, सिकंदर का जो आक्रमण है ना उससे, सिकंदर का आक्रमण उससे सवाल दिया गया है। सिकंदर ने लड़ाई लड़ी थी पोरस के साथ, क्या सिकंदर ने लड़ाई लड़ी थी पोरस के साथ, बैटल ऑफ हाइडास्पेस, हाइडास्पेस। दूसरा, अम्भी वॉज डिफेटेड बाई अलेक्जेंडर इन अ फियर्सली फाउट बैटल एट द बैंक ऑफ इंडस, क्या अम्भी को हरा दिया था सिकंदर ने सिंधु नदी के तट पर। अभी आप फिलहाल केवल करंट का नोट्स बनाइए, केवल करंट का नोट्स बनाइए, और ठीक है जो स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, वो पढ़ते रहिए आप लोग। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर जो 5 बजे वाले वीडियो का लिंक दिया गया है उसको देख लेना जल्दी से। 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होता है, छोटा सा वीडियो होता है, उसमें बताते हैं कि पढ़ना क्या है आपको आज पूरे दिन, ठीक है। अम्भी बिल्कुल संधि कर लिया था, अम्भी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, अम्भी जो था वो तक्षशिला का था, क्या था सर, वो तक्षशिला का शासक था, वो शासक था तक्षशिला का। अम्भी ने सिकंदर के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है, पहला जो है वो सही है। आपका क्या आंसर हो गया, आपका ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इतनी बातें हमने आज पढ़ी हैं। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा सिकंदर का जो आक्रमण है उसके बारे में, फिर पढ़ा हमने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं त्रिपिटक उसके बारे में, फिर बातें आई हमारे कर्षपान की, और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो यहाँ पर लड़ाई था मेगा जो है निकेटर उसके साथ वो कवर किया हमने, फिर देखा कि जो नियमित जनगणना था इसके बारे में किसने किया था जी, मौर्य ने, धर्माधिकरण ये देखा हमने, फिर जो दक्षिण चित्र है वो डिस्कस किया हमने, मौर्य एम्पायर ने पहली बार जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो हासिल करी थी वो डिस्कस किया, जो पेनेंस ऑफ अर्जुन है, डिसेंट ऑफ गंगा है, गंगा अवतार है ना ये वाला, इसको डिस्कस किया हमने। फिर आई बातें आई आपकी गौतम बुद्ध की, उन्होंने भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको रिजेक्ट किया, उन्होंने जो कर्म है और जो अहिंसा है उन्होंने इस पर जोर दिया ज़्यादा। फिर देखा हमने पंच पांडव के रथ के बारे में। तो हमने इतनी सारी बातें अभी डिस्कस करी आधे घंटे में,
मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो सब लोग लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, ताकि व्यूज़ बढ़ें इस पर। मुझे भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए। और आपके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है करंट अफेयर का, वो ज्वाइन करना है आपको। ये कोर्स चल रहा है, ये कोर्स 1 जुलाई से इसका पार्ट टू नया वाला आएगा, बिल्कुल आपके लिए। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं नया नया, उनके लिए है, जिन्हें क्वालिफाई करना है 2020 का एग्ज़ाम, 2021 का एग्ज़ाम, 2022 का एग्ज़ाम, उनके लिए खास करके है। क्वालिफाई करना है तो ये वाला करंट अफेयर सबसे ज़रूरी है। करंट यहाँ पर आपको पूरा तैयार करा दिया जाएगा, ये कंप्लीट कोर्स है करंट अफेयर का। ठीक है दोस्तों, रेफरल कोड क्या है पता है आपको? SNLive, SNLive कोड फैला दो एकदम, ये आपका रेफरल कोड है। क्या आंसर है जी? क्या सातवाहन ने ब्राह्मणों को जो संरक्षण है वो दिया और बुद्ध को भी? जी हाँ, बौद्ध धर्म को और ब्राह्मणों को, दोनों को सातवाहनों ने संरक्षण दिया अपना। पहला सही है। कल्याणी, गंडकेसला और गंजम, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे किसका? सातवाहन साम्राज्य का। कल्याणी, गंडकेसला और गंजम ये आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, पोर्ट थे सातवाहन साम्राज्य के। आपका आंसर है यहां पर 1 एंड 2 बोथ। अगला सवाल है मेकोंग नदी के बारे में। सवाल आपका है मेकोंग नदी के बारे में, ध्यान से बताइएगा। क्या ये बहता है भारत और बांग्लादेश दोनों से होकर के? क्या ये गिरता है बे ऑफ बंगाल में? क्या ये गिरता है बे ऑफ बंगाल में? इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। 1 और 2 में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ध्यान से। है ना? मेकोंग नदी के बारे में कौन सी बातें बताइए सही है? मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन ये है, याद है? जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन है, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, ये पढ़ना है आपको GS2 में, इंटरनेशनल रिलेशन में। और इस पर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी। क्या आंसर है जी? ध्यान से। मेकोंग नदी निकलता है तिब्बत से, जो तिब्बत का पठार है वहां से निकलता है, ये जाए गिरता है साउथ चाइना सी में, ना कि बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरता है? साउथ चाइना सी में जा गिरता है। कहाँ गिरता है जी? साउथ चाइना सी में। दूसरा यहां पर गलत है, पहला भी गलत है, क्योंकि ना तो ये भारत से ना ही बांग्लादेश से, इन दोनों कंट्री से पास नहीं करता। ना ही बांग्लादेश से, ना ही भारत से, दोनों से पास नहीं करता। आपका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 आर नॉट करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 आर नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए। यहां पर आपका जो तो चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया और वियतनाम है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन कंट्री से होके जो है वो पास करता है आपका, इन कंट्री से पास करता है आपका। ध्यान देखना, जो मेकोंग नदी है, मेकोंग रिवर, ध्यान से इसका जो पाथ है वो देखिए, इसका जो पाथ है वो ध्यान से देखिएगा। देखो, ये है मेकोंग नदी, दिख रहा है आपको? इसका जो पहले का नाम है वो है लैनचैंग, नीचे करके वो मेकोंग बन जाती है, और यहां पर वो वियतनाम से होकर के वो जा गिरती है आपके साउथ चाइना सी में। ठीक है, ये कई सारे कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है सर? ये उसमें बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। मेकोंग जो है
वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब कि एक से अधिक देशों में बहती है, ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा नदी है और एशिया में 7वां सबसे लंबा नदी है, समझ गए? ये निकलता है तिब्बत के पठार से और बहता है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से, ठीक है? ये जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा सीजनल है, बरसात होती है तो पानी होता है, और यहाँ पर आपको वाटरफॉल और रैपिड खूब सारे मिलते हैं। चूंकि वाटरफॉल खूब सारे मिलते हैं इसीलिए यहाँ पर नेविगेशन डिफिकल्ट है। पता चला नाव ले जा रहे हैं और नीचे गिर गया जलप्रपात से, है ना? यहाँ पर जो रिवर ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वेस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से कंट्री? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये हमारे हैं प्रमुख कंट्री जिनसे होकर के आपका मेकोंग नदी गुजरता है। ये डेल्टा भी बनाता है, मेकोंग डेल्टा कहते हैं उसको। देखो ध्यान से, ये जो आपका है ना यहाँ पर, ये डेल्टा बनाता है, इसको हम कहते हैं मेकोंग डेल्टा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बातें थी आपके मेकोंग नदी के बारे में। इनकी ट्रिब्यूटरी का नाम ऐसा है कि तीन तीन चार चार कैरेक्टर का है उतना आपको याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ बॉर्डर ये बनाता है, बता देंगे पूरा क्षेत्र एक बार, और इसको आपको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस नोट्स बनाते चलिए और आपको सारे बताते हैं, वहाँ पर बताते चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है यहाँ, अच्छा क्या आंसर हो गया इसका? आंसर आंसर हो गया, दोनों गलत हैं, बोथ आर इनकरेक्ट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव हाल में ही लॉन्च किया गया है ताकि जो इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन है वो दिया जाए, बच्चों को इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है? जी सर, मॉर्निंग 6 बजे वाली क्लास लाइए प्लीज। मॉर्निंग 6 बजे वाली क्लास अब 1 बजे होती है, 6 बजे वाली क्लास अब दोपहर 1 बजे होती है, तो दोपहर 1 बजे आया कीजिए डेली, ठीक है ना? अब डेली आओगे नहीं, आपको पता कैसे होगा? एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो, आते हो तो पीछे भाग जाते हो, है ना? हाँ सर, देख लेंगे सबका। सर मुझे प्राउड होता है क्योंकि आप हमारे बिहार से हैं, थैंक यू। हाँ सर, बारिश हो रही है अभी, मेरा नेट जाएगा ठीक है। अरे वाह, ठीक है, क्या आंसर है जी? अरे मैं तो सुबह सुबह उठ जाऊंगा, आप उठेंगे क्या? आधे लोग तो सोते रहते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, दो इनिशिएटिव हैं, एक है स्वयं, SWAYAM, SWAYAM, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इस पर, यूपीएससी सवाल इस पर पूछ चुका है। देखो SWAYAM, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, आपको कौन से में है? शायद 2017 में था, इसको देख लेना कौन से वाले में था। 17 में था शायद, 17 में या 16 में होगा। हाँ, देखो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, 17 में ही है। हाँ नहीं, 16 में है। देखो ये जो सवाल है ना आपका, देखो किस तरह पूछता है। स्वयं जो है, देखो कैसे पूछा है, स्वयं जो है वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एम करता है किसको? प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रोवाइडिंग
प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजन फॉर फ्री। यहाँ पर स्वयं क्या है, स्वयं एक इनिशिएटिव है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप शिक्षा फ्री में पा सकते हैं। आपका आंसर है डी। तो आपको पता रहेगा तब ना कि हाँ सवाल पहले पूछा है कि नहीं पूछा है। तो स्वयं पर पहले सवाल पूछ चुका है, समझ गए, स्वयं पर पहले सवाल पूछ चुका है, ठीक है। चलिए तो यहां पर पहला तो सही है मेरा, पहला जो है वो सही है, निपटेल, NPTEL। जो लोग इंजीनियरिंग से होंगे उन्होंने इसका नाम सुना होगा, इनके वो लोग कोर्सेज देखते होंगे, निपटेल के जो कोर्सेज होते हैं ना काफी फेमस इंजीनियरिंग में। तो आपका दूसरा भी सही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। तो आपका बी सी बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। दोनों का दोनों आपके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। किसके लिए सर, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग के लिए, इंटरनेट बेस्ड टीचिंग के लिए। क्या आंसर हो गया, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर जो स्वयं है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये शुरू किया गया है MHRD का, जो मंत्रालय है मानव संसाधन का उसका मंत्रालय शुरू किया है। यहाँ पर आपके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और उच्च शिक्षा के सभी कोर्स मिलते हैं आपको, यहाँ पर उच्च शिक्षा के सभी कोर्सेज और सभी स्किल वाले कोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले अफोर्डेबल कॉस्ट पे, समझ गए, है ना। चलो अगला आपका है निपटेल। निपटेल शुरू किया गया था 7 IIT के द्वारा और जो आपके IISc बेंगलोर उनके द्वारा, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, इन IITs ने मिल करके IISc के साथ शुरू किया था ये, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है IISc के द्वारा, ठीक है, और IIT के द्वारा भी। अगला आपका सवाल है, इनमें से कौन सी पत्रिकाएं गांधी के द्वारा लिखी गई थी या फिर एडिट की गई थी। हरिजन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन। 1, 2, 3, 4 में कौन सा जो पत्रिका है गांधी के द्वारा लिखा गया था या फिर उसके द्वारा एडिट किया गया था। क्या आंसर है जी, 1, 2, 3, 4 में क्या सही, ध्यान से बताना, 1, 2, 3, 4 में क्या सही है ध्यान से बताइएगा। हरिजन, माई स्टोरी विथ माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये चारों के चारों या तो गांधी द्वारा लिखे गए हैं या फिर उनके द्वारा एडिट किए गए हैं। ध्यान सुनना, जो गांधी है, गांधी जी ने हरिजन को पब्लिश करना शुरू किया 1933 में। ये एक वीकली अखबार था, अंग्रेजी में था और ये चला 1948 तक। 1933 में शुरू किया था इन्होंने, 1948 तक चला। क्या चला यहाँ पे, हरिजन वीकली अखबार, द स्टोरी ऑफ माई विथ ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है उनका, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। अब चूंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब क्या, उन्होंने खुद लिखी होगी। अपने बचपन से लेकर के 1921 तक की जो कहानी है वो इस किताब में लिखी गई है। बचपन से लेकर के 1921 तक की कहानी इस किताब में लिखी गई है। जो हिंद स्वराज है या फिर इंडियन होम रूल है, ये भी उन्होंने लिखा था 1909 में, ठीक है, हाँ ये लिखा उन्होंने 1909 में। यहां पर उन्होंने अपना जो विचार है प्रकट किया है स्वराज पर, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, मशीनीकरण है, उस पर गांधी जी के क्या विचार थे, सब बातें लिखी हैं उन्होंने हिंद स्वराज में। जो इंडियन ओपिनियन है, ये अखबार था जो गांधी जी ने शुरू किया था, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, 1904 से 1915 तक के, ठीक है।
जो आपका इंडियन ओपिनियन है ना, वो गांधी जी ने शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, जब वहां पर वो लड़ाई लड़ रहे थे रंगभेद की, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ने भी इंडियन ओपिनियन को एडिट किया है, समझ गए। तो क्या आंसर हो गया जी आपका, डी, चारों आपका यहाँ पर सही है, इन चारों को गांधी जी ने लिखा था या फिर एडिट किया था। बताइए आर्यन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आर्यन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आए थे आर्कटिक रीजन से, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो आर्य थे वो साउदर्न रशिया से आए थे। क्या ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है, क्या यजुर्वेदा में आपको जो रिचुअल्स के बारे में लिखा गया है, मतलब कि कौन कौन से आपके रूल्स फॉलो करते हैं सेक्रीफाइस के समय, बलि के समय, ठीक है। अरे वाह, ठीक है, कैंसर है। इनमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है आपसे, कौन सा गलत है पूछ रहा है आपसे। सही है आकाश का, दीपिका का, नहीं, बस अभी तो, हाँ सुनील, विनीत, बहुत सही, बहुत अच्छे, ठीक है। रिंकी, अशोक का भी ठीक है, दीपिका ठीक है, नजीम, हाँ रविकांत, रानी, सुमन, भावना, शाबा, मिंटू, सुषमा, राहुल, ठीक है। केवल 1028 हैं, केवल 1028 हैं, कितने हैं जी, 1028 हैं, तो आपका सी गलत हो गया, और गलत ही तो पूछ रहा है। क्या आंसर हो गया आपका, सी, ऋग्वेदा सबसे पुराना तो है, सबसे पुराना है, मगर इसमें 1028 आपके हाइम्स हैं, 1028 भजन कह सकते हैं या फिर श्लोक कह सकते हैं, वो यहां पर हैं, श्लोक हैं, श्लोक हैं, क्लियर। बाकी तो पता ही है आपको, तिलक जी ने कहा था कि आर्यन जो है वो आर्कटिक रीजन से आए थे। अगला सवाल आपका है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस के बारे में, जो आपका साल फॉरेस्ट कछुआ है उसके बारे में बताइएगा, क्या ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, क्या ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोनों में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको ध्यान से, कौन सा गलत है बताइएगा ध्यान से। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस के बारे में कौन सी बातें यहां पर गलत हैं, क्या ये इंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, इंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो जो जीव है वो केवल उसी एरिया में मिलेगा, उसके बाहर वो कहीं नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बारहसिंघा अपने एरिया में एंडेमिक है, गोल्डन लंगूर अपने एरिया में वो एंडेमिक है, इधर केवू लैम्ब नेशनल पार्क में आपका जो सैंगाई डियर है वो एंडेमिक है। तो काफी सारे जो हमारे पास जीव हैं वो भारत में एंडेमिक हैं, काफी सारे। ये भारत में एंडेमिक नहीं है जी, ये भारत के अलावा बहुत सारे जगह मिलता है, जैसे कि आपका भूटान है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, ये अगर ये इन कंट्री में मिलता है, अगर ये इन देशों में मिलता है तो क्या एंडेमिक हुआ, एंडेमिक नहीं ना है। ये भारत का जो उत्तरी भाग है और जो हमारा पूर्वी भाग है वहां पर ये साल फॉर टॉर्टोइस मिलता है, मगर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बात तो सही है।
ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसका शिकार करते हैं खाने के लिए, डेकोरेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज क्या है? साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज, देखो ध्यान से, ये आपका है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज। ये आपका जो अखबार है द हिंदू, वहां पर भी ये न्यूज़ में आया था, दिख रहा है? देखो ये द हिंदू खबर है, मई में ही आई थी या पिछले महीने आई थी। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज हैबिटेट स्ट्रेचेज अप ओवर अनप्रोटेक्टेड एरिया। तो जो कछुआ है इसके बारे में काफ़ी जो न्यूज़ में रहता है, इनकी जो शिकार होता है वो सजावट के लिए भी होती है, सुंदर दिखता है ये, तो इसे खाल जो होती है नुपुर वाली उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहें, इंसान हैं तो ये बातें हैं। अगला सवाल आपका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से, आपका जो डिस्प्यूट एक्ट है उसके बारे में सवाल है। पर्सन्स मेनली इन मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आर नॉट कंसीडर्ड वर्कमैन अंडर द एक्ट। अच्छा, जो टारगेट है ना, आपको टारगेट का वीडियो आपको डाल दिया है यहाँ पे, वो देख लेना सुबह वाला, और मॉक टेस्ट का मिल जाता है आपको। टेलीग्राम चैनल ये वाला है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जी, टेलीग्राम एड सुमंत है, इसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग। मेरे सारे वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ दिया है मैंने आपको प्लेलिस्ट मिशन आईएएस का, क्लिक करना, सारे वीडियोस देख लेना इसमें। मिशन आईएएस का जो भी वीडियो है ना, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पर बस क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में जा करके, डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? कल दरमन डाला था वीडियो उपनिवेशवाद पर, इसको भी देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अभी न्यूज़ में था क्योंकि लॉकडाउन के बाद सरकारों ने जो लेबर लॉज हैं उनको काफी लूज करने का निर्णय लिया था। देखो ध्यान से, जो कानून है, कानून में एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है वर्कमैन। वर्कमैन में एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या फिर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस सर्विस में एम्प्लॉयड हो वो वर्कमैन नहीं कहलाएगा। दूसरे व्यक्ति जो मैनेजेरियल या फिर प्रशासनिक कैपेसिटी में काम करता हो वो भी वर्कमैन नहीं कहलाएगा, समझ गए? जो भी कंपनी जहां पर 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी कामगार को हटाया नहीं जाएगा जब तक कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और गवर्नमेंट का परमिशन ना ले लिया जाता हो। मगर अगर ये छुट्टी दी जाती है उनको पावर के शॉर्टेज के कारण या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो नहीं लेना है परमिशन, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपका आंसर हो गया, दोनों बातें जो है वो यहाँ पर सही है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को हटाना है, बर्खास्त करना है, तो गवर्नमेंट की ओर से परमिशन लेना पड़ता था। ये जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं, लेबर लॉ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लेबर के पक्ष में थे, तो इसीलिए लोग कह रहे थे कि यार कंपनी चलाने में दिक्कत होती है हमको। जो कंपनी चलाने में दिक्कत होती थी उनको, यहां पर आपका आंसर क्या है? सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द ग्लोबल साउथ को परिभाषित करता है अच्छे ढंग से? जो ग्लोबल साउथ है इसको करता है परिभाषित अच्छे तरीके से, कौन सा है जी, बताना जरा। ग्लोबल साउथ को कौन करता है डिफाइन? ठीक है, ग्लोबल साउथ है वो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल करता है जो कई सारे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ग्रुप,
इसका कोई कोई इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है, मगर ग्लोबल साउथ में वो विकासशील देश आते हैं, ग्लोबल साउथ में वो विकासशील देश आते हैं जो अभी तक पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं, जहां पर औद्योगिकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, इकोनॉमिकली वीकर कंट्री हैं और ये लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन स्टेट हैं। क्लियर है? तो आपका बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है इस ग्लोबल साउथ का। किसका? ग्लोबल साउथ का। ये सबसे अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है जैनिज्म के बारे में, जो शिक्षा है जैन धर्म का आपको पूछ रहा है उसके बारे में। क्या महावीर ने वेदों की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया, मगर उन्होंने जो वैदिक रिचुअल है उसको उन्होंने स्वीकार किया? महावीर ने क्या वेद को रिजेक्ट किया और जो रिचुअल है उसको माना? क्या आपके जो कलर्गी हैं, कलर्गी मतलब होता है जो धर्म में जो होते हैं ना धर्म गुरु, वो सब, क्या धर्म गुरु और आम आदमी दोनों को अहिंसा का धर्म फॉलो करना पड़ता था? इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वाज कंसिडर्ड सिंफुल। क्या खेती को भी पाप मानते थे, क्योंकि इससे जो केचुए होते हैं उनकी जान जाती है? अर्थवर्म। क्या आंसर है? इसी कारण से जो फार्मर्स थे, फार्मर्स उतने नहीं आ पाए जैन धर्म में, फार्मर्स बौद्ध धर्म की ओर गए, फार्मर्स बौद्ध धर्म की ओर गए, मगर जैन में उतने कम आ पाए। जैन में मेनली व्यापारी हैं। क्या हैं? व्यापारी हैं, ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जैन धर्म में, क्योंकि इनमें ट्रेडिंग में तो कुछ होता नहीं है। ट्रेडिंग में अहिंसा तो फॉलो कर सकते हैं आराम से, न कीड़े मकोड़े मरेंगे, न कुछ करना है ना? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करके आ जाओ। क्या आंसर है यहाँ पर? जैन धर्म के बारे में सवाल पूछा गया आपसे, महावीर। अरे ये बताओ, महावीर अगर वेद से, वैदिक रिचुअल से एग्री कर ही रहे होते तो उन्होंने अपना अलग धर्म क्यों बनाया होता? वैदिक रिचुअल के खिलाफ ही तो एक नया धर्म बनाया महावीर ने और बुद्ध ने, समझ गए? जो हमारे यहाँ ये कर्मकांड होते हैं इतने सारे, आडंबर जो होता है उनके खिलाफ बनाया था ये वाला धर्म, तो ये पहला तो गलत है। महावीर जो वैदिक रिचुअल हैं, वैदिक कर्मकांड है, उन्हें क्यों प्रैक्टिस कर, उन्हें क्यों एडवोकेट करेगा, उनके वकालत क्यों करेगा, पागल थोड़े। पहला गलत है आपका यहाँ पर। दूसरी बात सही है यहाँ पे, जो धर्म गुरु हैं और आम जन हैं दोनों को अहिंसा का पालन करना होता था, यहाँ तक कि खेती को पाप माना गया था, क्योंकि यहाँ पर जो जो दूसरे एनिमल्स हैं, केचुए हैं, उनकी जान जाती है, ठीक है? अर्थ तक को यहाँ पर नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उसके सीने पे हल चलता है, तो ये भी वो लोग हिंसा मानते थे, वो इसको भी हिंसा मानते थे। क्लियर है? तो क्या आंसर हो गया आपका? बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया जो जैन धर्म की टीचिंग, अभी रुक मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जो जैन धर्म की टीचिंग है उनके बारे में क्या बातें थी, क्या बातें नहीं थी, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है वो समझा हमने, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इसको डिस्कस किया अच्छे से पूरे तरीके से, सॉल्व फॉर टॉर्टवाइज इसको पढ़ा हमने, इसकी फोटो भी देखी,
फिर आपका आता है आर्यन। आर्यन के बारे में कौन सी बात गलत थी, मैं पूछा था आपसे यहाँ पर। अब गांधी जी द्वारा लिखा गया कौन सी किताब थी, गांधी द्वारा लिखा गया प्रकाशित किया गया कौन सा किताब था, आपको यह मैंने बताया। जैसे कि हरिजन, स्टोरी विथ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये चारों के चारों गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे, इसको एडिट किए गए थे। फिर मैंने बताया आपको नेपटेल के बारे में, जो स्वयं पोर्टल है उसके बारे में, और मैंने आप इस पर सवाल भी किए हैं। मैंने क्या पढ़ा, मेकोंग नदी के बारे में, कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है, कौन कौन से देश बसते हैं, जैसे कि देशों का ये बहता है मेकोंग नदी, हमने यहाँ पर सब बातें डिस्कस करी। फिर आगे आया था सातवाहन, सातवाहन जो आपका साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ा हमने। ये सवाल था आपका तमिलनाडु के जो है ना किताब हिस्ट्री की उससे, ठीक है। अरे यार तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ मतलब बता रहा था कि ये मैं हूँ, ये मेरे बारे में है। इसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, ईमेल आईडी है, आपके पास कोर्सेज हैं, क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता सब पता है आपको। 1 जुलाई से नया कोर्स शुरू होने वाला है हमारा, इस कोर्स का पार्ट टू होगा। यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज आपको पता है, आपको आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक, और इकोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, ये सब बातें पता है आपको। जो हमारी क्लास है आज 9 बजे, ध्यान सुनना, आज 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी के ऐप पर, पोलिंग वगैरह होगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फी वगैरह पे कर सकते हैं में भी, सब पता है आपको। एस एन लाइव इज द रेफरल कोड, कोड याद करना, आपको पे करना है, आपको लेना है आप ले सकते हैं, अगर आप किसी दोस्त को लेना है आप उसको दोस्त को भी दिला सकते हैं। जो समिट है वो होने वाला है यहाँ पर 26-28 जून को हमारे यहाँ अन अकेडमी पर। यहाँ पर जो हमारी हस्तियाँ हैं वो आएंगी और आपसे बातचीत करेंगी। सवाल हम करते हैं फटाक से जल्दी से, चलिए। पहला सवाल हमारा है, जो दक्षिण के राज्य हैं उनके बारे में, कावेरी डेल्टा इन द फार साउथ बिकेम सीट ऑफ चोला पावर। कहने का मतलब ये है कि क्या चोला साम्राज्य कावेरी के डेल्टा तक तक था फैला हुआ, ठीक है। दूसरा, जो रायचूर दोआब है क्या ये बोन ऑफ कंटेंशन था अलग अलग राज्यों के बीच में, क्या अलग अलग राज्य रायचूर दोआब को हासिल करना चाहते थे। पता है ना तीन थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और ये सब लड़ा करते थे। अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेंट ऑन थ्रू द सी वेज विथ कंट्रीज लाइक जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा एंड कंबोडिया। जो आपका ट्रेड हुआ करता था, क्या वो हुआ करता था जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया के साथ, क्या वहां पर कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट बने थे साउथ इंडिया के बीच में और ग्रीको रोमन कंट्री में, कैसे पता चलेगा। अच्छा, इसमें से कौन सा गलत है पूछ रहा था, सुना कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा कि कॉन्टैक्ट बने थे कॉन्टैक्ट नहीं बने थे, ठीक है। क्या आंसर है जी, तुम इतना टाइम ऐसे ही निकाल दिया आवाज बात कर करके। देखो ध्यान से, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है इसके साथ हमारा संबंध था कि नहीं ये नहीं क्लियर है, मगर मानते हैं कि नहीं हमारा संबंध के साथ नहीं था, बाकी जो कंट्री है उनके साथ था। जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया, इनके साथ हमारे ट्रेड संबंध थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया तो बाद में बसाया गया ना अंग्रेजों के द्वारा, याद है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब था कहाँ पहले, इसमें तो रेड इंडियंस रहा करते थे यूएसए में, तो वहां पर पहले ब्रिटिश वाले गए तभी तो उनको बसाया। तो आपका यहां पर सी है जो गलत है, बाकी कावेरी डेल्टा तक चोल का जो पावर था वो फैला हुआ था। जो रायचूर दोआब है, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं हम लोग दोआब। पंजाब क्या होता है सर, पांच नदी की भूमि, पंजाब मतलब पांच नदी की भूमि। तो यहां पर ये मेन इशू था अलग अलग राज्यों के बीच में, सब इसको हथियाना चाहते थे। चूंकि दोआब है यहाँ पर फ्लड प्लेन, मतलब जो होता है ना आपके जो मिट्टी होती है काफी अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो काफी अच्छा रेवेन्यू आता था, ठीक है, आपका जो इमेज काफी अच्छा आता था, तो यहां पर काफी ज्यादा रेवेन्यू के कारण सब इसको हथियाना चाहते थे। क्या आंसर आ गया आपका सी। अगला सवाल है मेसोलिथिक लोगों के बारे में, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज क्या ये पड़ता है 1 लाख BC से 60,000 BC के बीच में। दूसरा, मेसोलिथिक के जो अवशेष हैं क्या पाए जाते हैं लांगहांग,
गुजरात में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार है वहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड के दौरान जो हंटिंग है, क्या ये शिफ्ट हुआ बड़े पशुओं से छोटे पशुओं की ओर? मतलब कि क्या शिकार पहले करते थे बड़े पशु का, क्या अब करते हैं छोटे पशु का? यूज ऑफ बो एंड एरो, तीर कमान का इस्तेमाल करते थे जो पशुपालन है, क्या वो शुरू हो गया था इस काल में? इनमें से कौन सी बात गलत है ये बतानी है आपको। मेसोलिथिक के बारे में आप कहाँ से पढ़ पाएंगे? अगर आपने एंशियंट इंडिया पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, ठीक है? जो आपका एंशियंट इंडिया है वो, अर्पिता जी 5 PM नहीं 5 AM 5 AM है टारगेट वाली क्लास, 5 मिनट 6 मिनट की होती है, मैक्सिमम 10 मिनट। क्या आंसर है इसका? ध्यान से, बताइएगा। जो आपके मेसोलिथिक लोग हैं उनके बारे में सवाल पूछा गया है, ध्यान सुनना। जो आपका मेसोलिथिक एज है ना, वो शुरू होता है 10,000 BC से 6,000 BC की ओर। 1,00,000 BC बहुत पुराना जमाना हो गया, इतना नहीं होता। आपका पहला है जो सही है। क्या होता है? जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है वो है 10,000 BC से 6,000 BC, बस 4,000 साल का ये जो काल था वो था, ठीक है? यहां पर आपका जो मेसोलिथिक के जो शेष है ना, वो मिले हैं आपके जो गुजरात है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का है वहां पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार तक आते आते जैसे कि यहां पर जो पूरा था ना फैल गया था तब तक के। क्लियर है? मेसोलिथिक पीरियड में जो हंटिंग था वो बड़े पशु से अब छोटे पशु की ओर आ गया। क्यों? क्योंकि मेसोलिथिक का मतलब होता है छोटे औजार। जो छोटे होते थे औजार, उनसे बड़े पशु को मारोगे क्या? कैसे मारोगे बड़े पशु को? देखो दिखाता हूँ। जो आपके टूल्स होते हैं ना छोटे वाले, आपके जो मेसोलिथिक एज के टूल्स देखोगे आप तो आपको दिखेगा एकदम छोटे छोटे होते हैं। देखो, क्या आप इन सब टूल से इस्तेमाल कर पाएंगे? देखो, ये जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं इनसे क्या आप बड़े पशु मार पाएंगे? नहीं। तो इसी कारण से छोटे पशु जो है ना उनका इस्तेमाल, मतलब उनका जो शिकार है वो होता था। ये हमारे हैं, ठीक है ना? देखो किस तरह से पत्थरों काट करके जो टूल्स है बनाए गए हैं, पत्थरों को काट के उसको चिकना बना करके उसको और नुकीला बनाया गया है ना? ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा है जो है आर्यंस के बारे में। अभी जो हाल में ही खोज किया गया है उसके बारे में बताऊंगा अभी तुरंत। तो पहले सवाल देख लो। स्पीकर्स ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, संस्कृत, इंटर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या संस्कृत बोलने वाले लोग भारत के उत्तर पश्चिमी से इंटर किए हमारे जो भारत है वहां पर, इंडो ईरानियन क्षेत्र से? मतलब कि क्या ईरान से वो लोग आए थे 1500 BC में, आर्यन लोग? क्या आंसर है जी? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कराइएगा। क्या आर्यन इनिशियली सेटल्ड हुए इंडो गंगटिक प्लेन में, लेटर दे मूव्ड इन टू वैली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड प्लेन ऑफ पंजाब? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो सभ्यता है किस तरफ से किस तरफ गया, याद है? मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जब तांबे का था तो कहां पर था, लोहे का था तो कहां पर गया, बताया कि नहीं बताया था?
ठीक है। बढ़िया। हाँ, छोटे और नुकीले औजार वहां पर बनने लगे थे मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है। हाँ, YouTube पर होती है वो वाली क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने पहले बताया था कि आपका जो बारिश है, ध्यान सुनना, जो आपका बारिश है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते जाते बारिश कम हो जाता है। मतलब कि यहां पर जंगल ज्यादा घना होगा, यहां पर जंगल कम घना होगा। तो जो आपके आर्यन थे वो पहले बसे भारत के पश्चिमी भागों में, जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहां पर बसा। उल्टा नहीं, यहां से होकर के यहां नहीं गया, वहां से होकर के यहां आया, समझ गए, बिहार की तरफ। इधर बाद में आए, इंडो गंगेटिक प्लेन में बाद में आए, समझ गए। तो इसीलिए मेरा यहां पर जो पहला है वो सही है, दूसरा मेरा है जो गलत है। इंडो ईरानियन रीजन से यहां पर भारत में एंटर किए थे 1500 BC में, और वो आर्यन जो थे वो उत्तर पश्चिम से घुसे और यहां पर आपका धीरे धीरे जो है ना, आपका इंडो गंगेटिक प्लेन वहां तक एंटर किए। तो पहला सही है, दूसरा मेरा गलत है। क्या आंसर आ गया? ए आपका सही है। एक बात और, हाल का जो रिसर्च है वहां पर ये पता चला है कि जो जीन है हमारे आर्यन लोगों के वो काफी अलग है ईरानियन लोगों से। जो जीन है मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल जो है ना हमारा, वो अलग है। तो इशू ये खड़ा हो गया कि जब आर्यन लोगों से, मतलब कि जो ईरानी लोगों से हमारा जीन ही अलग है, तो कैसे हो सकता है कि ईरानी लोग यहाँ पर आए हों? मतलब हम लोग जो हैं, क्या उनके वो हैं वंशज जो हैं? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इशू चल रहा है, वो करंट अफेयर का हो गया इशू। क्या आंसर हो गया आपका? ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। जो आर्यन थे वो पहले बसे नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, उसके बाद वो गंगेटिक प्लेन की ओर आए। यहां से मूव किया उन्होंने इस तरह से, यहां से पहले नॉर्थ वेस्ट में बस गए, फिर यहां पर इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ आए। अगला सवाल आपका है वैदिक पीरियड के बारे में। अगला सवाल आपका है वैदिक पीरियड के बारे में। ऋग वैदिक पीपल मेनली डिड कैटल रियरिंग और कार्पेंट्री। ऋग वैदिक काल के लोग क्या पशुपालन करते थे और बड़े गृह काम किया करते थे? दूसरा, क्या वो व्यापार किया करते थे सोने का जो मुद्रा था उनके साथ? क्या आंसर है जी? जिन किसी को टारगेट वाले वीडियो चाहिए, जिन किसी को भी, मेरे को भी वीडियो चाहिए, टेलीग्राम पर जाना, एड सुमंत सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर एड सुमंत सर्च कीजिएगा, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, है ना? आकाश गुप्ता बार्टर ट्रेड सिस्टम से ट्रेड होता था। अरे वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, शानदार जवाब। गोल्ड नहीं था, बार्टर था। हाँ ठीक है। नहीं, कॉइन्स नहीं थे उस टाइम, कॉइन्स उस समय था ही नहीं। तो जब कॉइन नहीं था तो करेंसी कहाँ जाएगी? सोना नहीं था उस समय, बार्टर सिस्टम था। क्या था सर आपका? बार्टर सिस्टम था। मतलब कि तुमको चाहिए टमाटर, हमें चाहिए आलू, अदल बदल कर लेंगे। करेंसी था ही नहीं वहां पर। तो दूसरा गलत हो गया। पहला सही है, वो मेनली पशुपालन करते थे और जो कारपेंट्री है उन सब जो जो आपका है ना इसमें ट्रेड में, वो एंगेज रहा करते थे। अब किताब ने कहा है तो कहा है, अब क्या कर सकते हैं।
पशुपालन तो खैर सही है, इसमें इसके अलावा भी तो कोई काम होगा ना, तो वो भी काम किया करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका यहाँ पर पहला सही है। अगर मैं लगाया था ओनली तो बात होती सोचने वाली, अगर मैं यहाँ पर केवल ओनली लगा देता ना तो होती बात सोचने वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी तक के। आपका ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अजात शत्रु, याज्ञवल्क्य, परीक्षित, फिर जय जयवली, जयविली, काशी, विदेह, कुरु और पांचाल। आपको मैंने दिया है जो आपके शासक हैं उनका नाम और उन्होंने कहाँ पर राज किया था उसका नाम। बताना क्या सही है यहाँ पर। वन किसे किसे मैच कर रहा है, क्या मैच कर पाएंगे आप जरा बताना। हाँ, जिसके पास ज्यादा पशु था उसको ज्यादा अमीर मानते थे। देखो जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में आपका एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर दिया गया है। देखो चैप्टर नंबर 5 है स्टोन एज का, चैप्टर नंबर 5 है आपके स्टोन एज का। यहाँ पर पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में बताया गया है, जो न्यूलिथिक टूल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, फोटो दिखा के, जो मेसोलिथिक टूल्स है ना उनके बारे में बताया गया है। तो पूरा जो उनका एज है, आयरन एज शुरू हुआ 1000 BC से, आयरन एज शुरू हुआ 1000 BC से, आयरन आए थे 1500 में, तो शुरू के 500 तो हुआ ही नहीं, शुरू के 500 में लोहा था ही नहीं, उसके बाद जो है वो लोहा वगैरह शुरू हुआ। ठीक है, आपको पढ़ना है जो चिरांद वगैरह है ना उनके बारे में, चिरांद पढ़ लेना है, फिर आपका जो चैलिथिक पीरियड है वो पढ़ना है, वहाँ पर स्टोन और कॉपर का इस्तेमाल होता था। चैल्कोलिथिक पीरियड में स्टोन और कॉपर, हड़प्पा वाले में ब्रॉन्ज, याद रहेगा हड़प्पा जो था वो ब्रॉन्ज था। चैल्कोलिथिक में आपके लोग ग्रामीण हुआ करते थे, ग्रामीण शहरी नहीं, हड़प्पा वाले शहरी थे, समझ गए, हड़प्पा वाले जो थे वो शहरी थे। बढ़िया, तो ये सब बातें हैं आपकी, हम लोग कवर करेंगे जो आपका एंशंट इंडिया है ना, कवर करेंगे जो आपको आती है ना वीडियो रात में 9 बजे, वहां पर हम लोग कवर कर देंगे एंशेंट इंडिया वगैरह जो भी टॉपिक जहां हो सकता है ना सब कवर कर देंगे। क्या आंसर है इसका जी, मिलाया क्या? ध्यान सुनना, जो आपका अजात शत्रु था वो काशी का फेमस रूलर था। अजात शत्रु काशी, ए मैच कर गया वन से, तो आपका ए चला गया, बी चला गया यहां पर, क्योंकि ए वन यहां पे है और दो दो तो खैर यहां पर है ही। जनक जो थे वो विदेह के राजा थे, कहाँ थे, जनक जो थे वो विदेह के राजा थे, उनकी राजधानी थी मिथिला। ठीक है, उनकी राजधानी थी मिथिला, उनके दरबार में यज्ञवल्क्य जो थे ना वो रहा करते थे, जनक के दरबार में ये रहा करते थे, तो ये मैच कर गया विदेह से, ये मैच कर गया विदेह से। हाँ ठीक है। हाँ, अगला आपका है परीक्षित, परीक्षित पता है ना महाभारत वाला, परीक्षित जो था वो राजा था कहाँ का, कुरु का, जो कुरु है कुरुक्षेत्र वाला, वहाँ परीक्षित मैच कर गया 3 से और जयविली मैच कर गया 5 चाल से। तो क्या आंसर आ गया जी, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका लगातार लाइन से सही है, मैंने यहाँ पर कोई भी उठापटक नहीं की है। अगला सवाल है वर्धमान महावीर के बारे में, अगला सवाल है वर्धमान महावीर के बारे में, क्या वो जैन धर्म के फाउंडर थे, क्या उन्होंने शादी की त्रिशला से और बन गए तपस्वी 42 साल की उम्र में। तीसरा, इन द 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस, अपनी तपस्या के 13वें साल में क्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कैवल्य ज्ञान कहलाए, कैवल्य कहलाए, क्या उन्होंने कैवल्य ज्ञान नाम का जो ज्ञान है प्राप्त किया तपस्या के 13वें साल में। ये आपका सवाल है जैनिज्म के बारे में, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बताना जरा क्या सही है। ठीक है, क्या आंसर है जी, महावीर के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। महावीर जैन के संस्थापक थे क्या, क्या महावीर जैन संस्थापक थे,
महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे ना, महावीर 24वें तीर्थंकर थे ना, तो ये तो फाउंडर नहीं थे। 24वें थे तो इनके पहले 23 थे, महावीर के पहले 23 थे तो ये फाउंडर कैसे हुए? फाउंडर नहीं हुए। लोगों को लगता है कि हाँ वो फाउंडर थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। पहला यहाँ पर गलत है। क्या है पहला यहाँ पर गलत है? उन्होंने अपनी शादी करी थी यशोदा से। किन से सर? यशोदा से, नहीं कृष्ण जी वाले नहीं। इनका नाम एक है, व्यक्ति दो हैं। सेकंड गलत हो गया। तीसरा यहाँ पर सही है। अपने तपस्या के 13वें साल में उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका आंसर यहाँ पर आ गया C3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तपस्या के 13वें वर्ष में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के बारे में। क्या उन्होंने अपना अपने ग्रह का त्याग कर दिया 29 साल की आयु में? सच की खोज में क्या उन्होंने 29 साल की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया? क्या वो घूमे 7 सालों तक और ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गंभीर तपस्या के बाद? क्या उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, क्या उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में जो बनारस के नजदीक है, और 80 साल की उम्र में क्या उनका देहांत तो हुआ कुशीनगर में? बताना सर क्या सही है? 1, 2, 3 और कौन सी बात बताना सही है? 1, 2, 3 में कौन सी बातें सही हैं? वन टू थ्री में बताना कौन सा आंसर आपका सही है। गौतम बुद्ध के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया काम। तो यहां पर आपके जो तीनों बातें हैं वो सही हैं। तीनों बातें जो है वो यहां पर भगवान बुद्ध के बारे में सही हैं। उन्होंने अपना पहला ज्ञान, अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बनारस के बगल में सारनाथ पड़ता है। उनकी मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में कुशीनगर में। जो आपके महावीर थे पौपुरी, पौपुरी यहाँ नालंदा में पड़ता है। जब आप गया में घूमने आएंगे ना, जब आप गया में घूमने आएंगे तो आपको मैं कई जगह दिखलाऊंगा। एक तो हो गया गया का विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर आपको मिल जाएगा। आपने कहानी सुनी है कि जब राजा ने, अरे जब कृष्ण ने वामन अवतार लिया था तो उन्होंने 3 पद मांगे थे, याद है ना? तो जो आपका जो पद जमीन पर पड़ा था वो पद यही हमारे मंदिर में, मतलब उस समय जो था ना, मंदिर तो बाद में बना, वहाँ पड़ा था कहते हैं ऐसा। तो ये है आपका विष्णुपद मंदिर। भगवान जैसे कि विष्णु का जो साक्षात जो कहते हैं उसको, एक जो ये है ना, एक अरे चिन्ह वो कह सकते हैं। गया में आपका विष्णुपद है, दूसरा आपका बोध गया है, बोध गया हो गया। फिर जरा सा किलोमीटर दूर चलेंगे, बाइक से चल सकते हैं हम लोग, तो आपको मिल जाएगा राजगीर। राजगीर मिलेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के आपको अवशेष मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर पावापुरी मिल जाएगा, नालंदा में ही पावापुरी मिल जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर ये सारे हमारे यहीं हैं अगल बगल में, ठीक है ना? हाँ, राजा बलि थे, तो यहां पर ये हो गया। अगला सवाल आपका है अजात शत्रु के बारे में। क्या इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करी, ठीक है, राजगीर से पाटलिपुत्रा? क्या उन्होंने मगध का जो राजधानी है वो बदल दिया राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर के आए थे? क्या अजात शत्रु जैन थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, और उन्होंने बाद में कई सारे विहार और चैत्य बनाए थे?
विहार होते हैं जहां रहते हैं, रहते हैं ये होता है आवास, विहार में रहते हैं मॉन्क। और चैत्य में करते क्या है, यह आपका पूजा स्थल होता है, यह आपका पूजा स्थल होता है, समझ गए, ये आपका पूजा स्थल होता है। सोचो आपको इतना सारा जो घूमने का जगह है ना वो मिल रहा है गया में, तो जैसे ही ये सब समस्याएं खत्म हो कोरोना वोरोना का, तो आइएगा जरूर घूमिएगा। ठीक है, एक बाइक इतने सारे कैसे आएंगे सर जी, अरे बस बुक कर लेंगे फिर। बोधि ट्री पीपल का होता है, पीपल का होता है, उसका नाम बोधि ट्री है, पीपल का पेड़ होता है, अभी भी है। बिल्कुल सही, अरे वाह, किन्होंने बताया था, अशोक ने बताया था, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, पाटलिपुत्र के जो है ना राजधानी राजगीर से, वो अजात शत्रु ने शिफ्ट नहीं किया था, उदयन ने किया था, उदयन ने शिफ्ट किया था राजधानी, उदयन ने। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। अजात शत्रु जो थे वो पहले जैन थे, बाद में उन्होंने पाला बदला, बुद्धिज्म की ओर आए और उन्होंने विहार और चैत्य का निर्माण किया। विहार थे मॉन्क के आवास स्थल जहां वो रहते थे, और चैत्य में वो लोग पूजा करते थे। सर कैसे याद रखेंगे, विहार, बिहार है कि नहीं, बिहार में लोग रहते हैं तो विहार में लोग रहते होंगे, तो यहां पर आपका रहते हैं लोग मॉन्क। चैत्य में क्या होता है, ये लोग पूजा स्थल है, ये आपका पूजा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया, चलिए ये बातें हो गई। अगला सवाल आपका है अशोक के शिलालेखों के बारे में, ये सवाल है अशोक के शिलालेखों के बारे में, ध्यान से बताना क्या आंसर है इसका। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वेयर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाई जेम्स प्रिंसअप इन 1837, क्या अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, इनको पहली बार डिसाइफर किया था, नष्ट किया था नहीं, डिसाइफर किया था, मतलब कि इसको डिकोड किया था, डिकोड किया था, जो शिलालेख हैं आपके अशोक के, क्या वो लिखे गए थे पाली में, प्राकृत में और खरोष्ठी भाषाओं में, क्या आंसर है जी। हाँ ठीक है, हाँ इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, जो डी है वो आपका सही है, फिर तो क्या दिक्कत है, पूछे तो सही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो अशोक के शिलालेख थे वो जनता की भाषाओं में लिखे गए थे, जनता की भाषाओं में लिखे गए थे, यहाँ पर पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी तक का इस्तेमाल किया गया था, जो गांधार वाला एरिया था ना वहां पर। हाँ, जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, शायद 2016 या 17 का प्रीलिम्स होगा, देखना वो वाला, जेम्स प्रिंसेप पर सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, बस एक लाइन का सवाल था और चार ऑप्शंस थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लियर है। तो अब हम मिलेंगे 9 बजे, अभी
डेढ़ घंटे के बाद हम 9 बजे मिलेंगे अपने स्पेशल क्लास में अनअकैडमी के ऐप पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इसको यहाँ पे, और हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, रेफरल कोड है SNLive। जो भी मेरे कोर्स देखना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो ये कोड इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद सारे जो कोर्सेस हैं खुल जाएंगे आपके लिए। UPSC के सभी टीचर का आप देख पाएंगे वीडियोस और उनके कोर्सेज, केवल मेरे ही नहीं, मेरा तो खैर है ही करंट अफेयर का, बाकी सारे कोर्सेज 1 जुलाई से आपका नया कोर्स शुरू हो रहा है, आप उन्हें देख सकते हैं। इस कोर्स का पार्ट 2 है। यहाँ पर हम लोग आपको सवाल देते हैं और जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, याद है? कल पढ़ा था हमने जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है उसके बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ लिया था हमने, जो आपका GS3 का एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी का, उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं 9 बजे आप सभी के साथ। जो स्पेशल क्लास का लिंक है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का ID है @सुमंत। टेलीग्राम पर आपको स्पेशल क्लास का लिंक पेस्ट कर दिया है मैंने रात में ही, तो वहां पर जाइएगा, बस क्लिक करके उसको एनरोल कर लेना, वरना अनअकैडमी का ऐप ओपन करके उसमें सुमंत कुमार नाम सर्च करना, मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।